अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ सिनावत जी के घर दावत पे। तो अबू बस अभी फ्रेश होके आ रहे हैं और संबुल भी मेरे ख्याल से आ गई, तो अभी देखते हैं संबुल किधर है। गाड़ी हमारी साफ कर रहे हैं भाई साहब, साफ कर रहे हैं गाड़ी। और नदी भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। और क्या हो रहा है? गाड़ी साफ हो रही है और माशाल्लाह ईद भी करीब है और शॉपिंग भी हो गई। अच्छा, नदीम की शॉपिंग हो चुकी है। बस हम लोग भी थोड़ी देर में सिन्हा जी के घर निकलने लगे हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद सिन्हा जी के घर। उन्होंने अफ्तारी पे अपने दावत पे बुलाया हुआ, कह रहे हैं यार काफ़ी टाइम से हमसे मिले नहीं है, मिलना नहीं हुआ। तो बस हम थोड़ी देर में बस पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आ चुकी है। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। और मैंने आज बिल्कुल मेकअप नहीं किया, मैंने कहा जरा स्कैन बहुत महंगा वाला फेशियल कराया, तो मैंने कहा उस पर बगैर मेकअप की भी अच्छी लग रही है। शुक्रिया। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं सिनावा जी के घर पर और आप लोग से वहाँ पर चल के मिलते हैं। लेट्स गो। और सिनावा जी के देखे कितनी लंबी छोटी बच्ची जा रही है अफ्तारी देने के लिए आई है, वही बिरयानी बोलनी ज्यादा देना बिरयानी। तो बस हम मेरे सिन्हा जी का मैसेज आ गया, कहा हूँ सिनावाजी का मैसेज आ गया, देखिए माशाल्लाह 100 साल उम्र है। तो बस अभी हम अब्बू का वेट कर रहे हैं, अब्बू आ जाए तो फिर हम निकलते हैं और मिलते हैं। सिनावाजी अब्बू ना हेयर कट लेने के लिए गए हुए थे। आप बता रहे हम आपकी अफ्तार पार्टी में आए भाई, ये हमारी अब इंशाल्लाह ईद पर होगी। सिनावाजी हमें डिशेस के नाम बता रही है। सिनावाजी बताए चलिए, ये पकौड़े हैं तीन तरह के, ये दाल के पकौड़े हैं, प्याज के और आलू के, दही फुल्की हैं, असरे शीरी की हैं ये, और ये चने की चाट है, ये फ्रूट चाट है, तरबूज है, और ये नए तरीके से कचौरियाँ बनानी सीखी हैं, पता नहीं कैसे बनी। और इसके बाद आप जो है रोजे के बाद इसकी रेसिपी जरा शेयर करिएगा, आपकी कलेजी वाली बहुत अच्छी रही। और ये चने हैं सादे भी, और ये पापा की फेवरेट है चने की दाल, और ये समोसे चिकन के हैं, और ये पास्ता आ गया, ये खासतौर पर सुम्बुल के लिए। और कितनी अच्छी मतलब वो पूरी हुई है कचौरी की तरह, जैसे शेप बहुत अच्छी हो गई है, और बड़ी झटपट वाली कचौरी, बड़े इंटरेस्टिंग इसका। चलिए मतलब रोजा खुले में 5 मिनट रहता है। ठीक है, हम लोगों ने बस खाना खा लिया है और अब सिनावाजी जो है ना रेसिपी देंगे। हमने ये खाई रोजा खोलने के बाद कचौरी, बहुत मजे की थी। अब वो आपको कैसा लगा? सब सबसे अच्छा क्या लगा? सब चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की। जी सिनावाजी आप जरा इसकी झटपट से रेसिपी दे दें। ये है ही झटपट सी बनी हुई है, जो फ्रोजन पराठे होते हैं ना उनको आप लेके डीप फ्रॉस्ट कर लें, मगर इतना ज्यादा नहीं क्योंकि वो अपने प्लास्टिक से चिपक जाते हैं, तो उनको लेके और जैसे आप पराठे को चौकोर पराठा बनाते हैं ना उनको रोल करके और हाथ पे ऐसे फैला लें यूं करके, वो ये तो आउटर लेयर हो गई। और एक दिखाएं हाथ में लेके अपने डाउन, जैसे आपने इतनी बड़ी है। और उसके बाद जो है अंदर इसके एक चिकन का पीस लिया, छोटा सा बॉईल कर लिया उसको, और उसको अलहदा से उसके श्रेड्स कर लिए, और यार अलहदा से एक पतीली के अंदर चॉप किया हुआ प्याज डाला, थोड़ी सी वो डाली अदरक लहसुन डाली, नमक, काली मिर्च और भुना कुटा हुआ जीरा और धनिया जो होता है भुना कुटा हुआ, बस वो डाला और उनको थोड़ा सा चलाया। उसके बाद मैदा डाला और जिस पानी में चिकन को बॉईल किया था वो यखनी और उसमें डाली, जो सारा हमने मिक्सचर बनाया था, और थोड़ा सा वाइट सॉस टाइप का वो बन गया ना, तो वो फिलिंग करने में आसानी होती, बस उसको ठंडा कर लिया और वो जो पराठे आपने बेले थे उसके अंदर फिल कर। पराठे के कौन से वाले थे? डॉन के थे, लेकिन आप कोई भी ले सकते, बने बनाए थे, बने बनाए पराठे थे, बस उसमें उसको फोल्ड करके और थोड़ा सा उसको फैलाया हाथियों के, उसकी कचौरी बनाई और थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया और बस फिर फ्राई कर। बहुत ये सारी जो है ना अब हम एक भी चाय के साथ खाओ ना, बहुत मजे की थी। दिखाओ, दिखा दी। मैंने कहा आपने खाने के बाद बताई ना कैसी थी, बहुत मजे की थी, बहुत मजा आया सिनावा जी, बहुत मजे का था सब। अब हम लोग शॉपिंग पे निकलेंगे बस अब सिनावा जी के घर से,
चले मैं आ जाए अब्बू चलो गाइस अब हम लोग बस सिन्हा जी के घर से जा रहे हैं, हम शॉपिंग पे निकलेंगे जी गाइस। तो बस अब हम लोग सिन्हा जी के घर से फ्री होकर हम लोग आए थोड़ी सी आखिरी की कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे तो फिर ऐसा जितना क्वेश्चन नहीं रहा, कल आप भी करेंगे शॉपिंग। तो बस अल्लाह करे पार्किंग मिल जाए, सो लेट्स सी चलें आ जाए। ये देखें अभी मैं देख रही हूँ, लेट्स सी कौन सा अच्छा लग रहा है। तला आप भी मेरी हेल्प करें। नहीं मुझे यहाँ समझ नहीं आया, आइडियाज़ देखते हैं। हाँ आइडियाज़ आ जाए, जो मुझे समझ में आया वो यहाँ पे नहीं है। आइडियाज़ कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में आई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है। लार्ज तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होगा। नहीं नहीं ये दे दें फिर आप, बस ये दे दें ठीक है। इसके साथ मैं ट्राउज़र पसंद करती हूँ। ऐसे देखिए बस ये मैंने इसके साथ ट्राउज़र लिया है पूरा, और अब मैं अपनी आगा नूर वाली कुर्ती के साथ एक ट्राउज़र लूँगी। चलें आ जाएँ, ये एक हो गया है, अब आगा नूर उसके साथ वहाँ पर है। आ जाएँ दिखाएँ तला, कितना अच्छा शोहर है माशाल्लाह से मेरा आगन वाले के साथ। चलें गाइस अब हमने ले ली है, और बस अब तलहा अपनी चीज़ें लेंगे, मैं पेमेंट कराती हूँ। ओके चलें पेमेंट करा के मिलते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? मुझे हाँ मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। चलें गाइस आ जाएं, बस अब हम लोग तला की खेड़ी लेंगे और आ जाएं। गाइस अभी हम लोग जे डॉट पर आए, तला अपनी शर्ट लेंगे। अब आएंगे आप शॉपिंग में मेरे साथ? क्या आएंगे जब तक ईद नहीं आती? पहली बार आए हो जब से ईद शुरू हुई है आप मेरे साथ शॉपिंग में? गाइस मैंने एक ये ड्रेस लिया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, कोई दावत या कुछ होगी तो मैं पहन लूँगी। ये बहुत वो मेरा साइज़ लेने गई है मीडियम। अच्छा लेट्स गो। अब और भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ उनकी जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट है। जैसे कि ये ड्रेस होगा इनका प्राइजेज इनकी है। चलें आज मैं सब बिलिंग करते हैं, वो साइज़ ऊपर ही है मेरा। गाइस ये देखिए ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने वैसे ही ले लिया कि इंसान पहन लेगा। ये मेरा मीडियम आ गया है, बस अब मेरी शॉपिंग हो गई और अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। चलो हो गई है शॉपिंग हमारी जी। तला तला थक गए, तला इधर तो देख लो क्यों गुस्सा कर रहे हो। तला को भाई गुस्सा आ रहा है कि मुझे शॉपिंग में बहुत देर करती है, इसलिए आ जाए। बस हम इसकी बिलिंग करेंगे जो मैंने ड्रेस लिया और फिर घर पर नहीं मैंने मीडियम ले लिया है। बस ये देखिए ड्रेस है, चले आ जाए। हम लोग तो शॉपिंग जो है मैंने शॉपिंग पूरी करा दी है, कुछ खाएंगे चले आ जाए। गाड़ी में मिलती हूँ मैं आपसे। A few moments later. जी तलहा। तो हम लोग घर आ गए और तुम अपना सिन्हा जी का बड़ा मज़ा आया, खाना पीना भी बड़ा अच्छा था, तो शॉपिंग भी पूरी कर ली हमने, घूम घाम के घर आ गए हैं। तो फिर हम अब मिलेंगे इंशाल्लाह ईद व्लॉग्स में। कमेंट और बेल करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत थक गए, चलो यार लेट्स गो।